नारनौंद के गांव कोतकला में आज वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निर्मित मुस्लिम सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने गाँव में निजी कार्यक्रमों में भाग लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आज सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नारनौंद क्षेत्र की 36 बिरादरी एकजुट होकर के विशेष रूप से जो हमारे ऐसी भाई हैं जो मजदूर वर्ग हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं, वे सब मिलकर के आज नारनौंद के विकास में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वित्त मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोलते हुए कहा कि उनके 10 साल के शासन के पाप सामने आ रहे हैं। आज कई जांच एजेंसियां, सीबीआई हो या ईडी या दूसरी जांच एजेंसियां, उनके कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर उनको दोषी ठहराकर अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। आज वह जमानत पर चल रहे हैं जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका है। लोकसभा के चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया है। ऐसा व्यक्ति यदि बीजेपी में आना चाहता है तो पहले वह पाक साफ होकर के आए, फिर भारतीय जनता पार्टी उन चीजों पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री ने दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए कहा, जिन्होंने अपनी पार्टी और अपने परिवार और बुजुर्गों का सम्मान न करके जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, हरियाणा की जनता ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। और नारनौंद विधानसभा के लोग अपना भला बुरा खुद समझते हैं और नारनौंद की जनता अब बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी। नारनौंद की जनता खुद अपना विकास करना जानती है। आज यहाँ पर शिलान्यास करने का सौभाग्य मुझे मिला है। हमारे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी एकजुट होकर के और विशेष रूप से जो हमारे एससी वर्ग के भाई हैं, बीसी वर्ग के भाई हैं, जो मजदूर वर्ग है, वह सब मिल करके आज आगे बढ़ करके और नारनौंद के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। 36 बिरादरी एक होकर के अब नारनौंद के विकास को सुनिश्चित करना चाहती है और आगे बढ़ाना है। देखिए, इस प्रकार की कोई अखबारी बातें हैं, आज जिस प्रकार से उनके 10 वर्ष के शासनकाल के पाप सामने आ रहे हैं और आज उनकी जो कई जांच एजेंसियां, सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी जांच एजेंसियां, अदालतें, उनके कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार को लेकर के उनके ऊपर दोषी उनको ठहरा करके अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, आज वो जमानत पर चल रहे हैं। ऐसे समय में जिनको स्वयं 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक सांसद के उम्मीदवार के नाते से नकार देने का काम जनता ने कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति पहले तो अपने आप को पाक साफ करके आएं और फिर भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों पर विचार कर सकते। देखिए, उनको हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। जिन लोगों ने स्वयं अपनी पार्टी और अपना परिवार और उसमें अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करने में जिस प्रकार का स्वभाव का प्रदर्शन किया है, ये हरियाणा की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। कितनी भी परिस्थिति परिवार में हो, हरियाणा की जनता अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को कोई अपशब्द कह करके इस्तेमाल करते हो, इस स्वभाव को और इस व्यवहार को, इस संस्कार को हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं करती है। और ये नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना भला समझते हैं और अपना हित जानते हैं। अब बहुत इन्होंने दूसरे लोगों को ताकत दे ली, आज ये अपने भाई बेटों के माध्यम से अपना भला खुद करना जानते हैं, ये कर लेंगे।